तो आज से हम कुछ नया सीखेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे या कुछ दिन तक कंटिन्यू करेंगे, हमारी सीरीज होगी पावर सिस्टम्स की, ठीक है। इसमें हम इजी लेवल से लेकर के मॉडरेट एंड देन हाई लेवल तक भी जाएंगे, डिस्कशन करेंगे और इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे और जानेंगे कि हाँ इसका यूज़ क्या है, क्यों ये सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं और ये सब्जेक्ट है क्या एक्चुअल में, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं पावर सिस्टम्स में और पावर सिस्टम्स के बारे में जानते हैं कि पहली चीज़ तो ये होती है कि पावर सिस्टम बोल तो दिया गया, तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए या किसी भी इंसान के लिए ज़रूरी है ये जानना कि हाँ हमें कैसे बिजली मिल रही है, हमें कैसे इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, कैसे प्रोड्यूस हो रही है, कैसे हम तक आ रही है, हम कैसे यूज़ कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो उस सब्जेक्ट से ही डील करता है पावर सिस्टम, यानी पावर सिस्टम में यही सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि पावर सिस्टम्स एक्चुअल में होते क्या हैं। तो पहले बेसिक डेफिनेशन आ गई, तो पावर सिस्टम्स क्या होते हैं, ये होते हैं आपके इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स, ठीक है। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स होते हैं जिनका कि कुछ इनपुट होगा, तो ऑब्वियस सी बात है आपको आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा, कुछ इनपुट के साथ आपको आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का एक ऐसा नेटवर्क जिससे कि हम वेरियस टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस या प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, जिसमें आपके बाद में हम पढ़ेंगे तो वो पता चलेगा हमें कि हाँ इसमें क्या क्या प्रोसेस आते हैं। इसमें तीन प्रोसेस आते हैं आपका, पहला हो गया जनरेशन आ गया, यानी कि किस तरीके से पावर जनरेट हो रही है, किस तरीके से पावर प्रोड्यूस हो रही है, किस तरीके से हम पावर को बना पा रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ आ गई जनरेशन में। दूसरा है जब पावर बन गई, तो जाहिर सी बात है कि अगर पावर बनी है और बहुत ह्यूज अमाउंट में बनी है तो हमारे शहर में तो होगी नहीं, कहीं दूर होगी, कहीं दूर होगी तो उसको हमको ट्रांसफ़र भी करना है, कहाँ तक पहुँचाना है, हमको अपने शहर तक पहुँचाना है, हम तक पहुँचाना है, कंज्यूमर्स तक पहुँचाना है, उसके लिए क्या इस्तेमाल होगा, ट्रांसमिशन लाइंस का, ठीक है। ट्रांसमिशन जैसा कि नाम बताता है, ट्रांसमिशन ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जब ट्रांसमिशन हो गया तो वो तो दूर से पास लाने के लिए था, अब क्या है तीसरा स्टेप भी तो आएगा, क्या जब एक जगह पर पहुँच गई है, शहर में पहुँच गई, अब उसको बांटना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको जितनी कंज्यूमर्स हैं उनकी नीड के अकॉर्डिंग उसको उनको देना, तो उसमें क्या आ जाता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये आपके तीन पॉइंट्स हो गए, क्या, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अभी इस पर आते हैं, पावर सिस्टम आपका बेसिकली, पावर सिस्टम की डेफिनेशन यही है कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का एक ऐसा नेटवर्क होता है जिससे कि ये तीन ऑपरेशन हम परफॉर्म कर पाएँ। पावर सिस्टम आपका जनरेशन से लेकर के ट्रांसमिशन से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं पावर सिस्टम, वाई पावर सिस्टम, ठीक है, पावर सिस्टम की हमें ज़रूरत क्या है या हम क्यों पढ़ते हैं या एक्चुअल में क्या क्या मीनिंग है इसकी, ठीक है। तो पावर सिस्टम्स क्यों हम पढ़ते हैं, हम सबको पता है कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के कुछ चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट आज की डेट पे आपको फ़ैन चलाना है, गर्मी लग रही है, गर्मियों का समय है, यू नीड इलेक्ट्रिसिटी, लाइट्स जलानी है, अंधेरा हो गया, यू नीड इलेक्ट्रिसिटी, फ़ोन चार्ज करना है, लैपटॉप चार्ज करना है, वेरियस काइंड ऑफ एप्लीकेशन यू हैव टू परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, ठीक है। हमारी लाइफ एक तरीके से होगी इलेक्ट्रिसिटी, तो उसी इलेक्ट्रिसिटी को कैसे हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, कैसे हम पहुँचा पा रहे हैं, कैसे यूज़ कर पा रहे हैं, इनफैक्ट यूटिलाइजेशन भी, ठीक है, वो सारा कुछ हम पढ़ते हैं पावर सिस्टम्स के अंडर में, ठीक है। अब ये समझ में आ गया कि पावर सिस्टम्स होता क्या है और क्यों, क्या नीड है उसकी पावर सिस्टम की, ठीक है, ये दोनों पॉइंट पता चल गए। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर देखा ये PSN, ये पावर सिस्टम नेटवर्क्स को मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है। फिर आते हैं पावर सिस्टम नेटवर्क के तीन पार्ट हो गए अपने, जनरेशन हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों के बारे में ब्रीफली बहुत हमने समझा। अब आते हैं हम जनरेशन, सबसे पहले पावर सिस्टम नेटवर्क की बात आई तो जो पावर वर्ड है, पावर वर्ड है ये, पावर इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम कॉमन टर्म्स में कहते हैं, बट पावर बेसिकली होता है क्योंकि वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन होता है, P = VI, ठीक है। और फिर आपके पावर फैक्टर वगैरह, एंगल वगैरह लगेंगे तो कॉस फाई हो जाएगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे, डिटेल्ड जब पढ़ेंगे हम। तो पावर को जनरेट करना, पावर को बनाना, वो काम इट कम्स अंडर जनरेशन, ठीक है, जनरेशन में आता है। अब जनरेशन में हम उतना ज़्यादा डिटेल में अभी पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि जनरेशन में बेसिकली क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए फ्यूल्स, किस तरीके के फ्यूल्स हमारे इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, किस तरीके के फ्यूल्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनरेटिंग स्टेशंस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर प्लांट्स होते हैं, तो उस केस में ऑब्वियस सी बात है कि हाँ फ्यूल डिफर करेगा और प्रोसेस डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो पहला हो गया फ्यूल, ठीक है, अभी मैं बताता हूँ, डिस्कस करते हैं फ्यूल्स के बेसिस पर। फिर दूसरा हो गया मशीनरी या प्रोसेस, ठीक है,
प्रोसेस भी आपका कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक, तो मशीनरीज आपका सर्टेन पावर प्लांट की अगर हम बात करेंगे तो उसमें डिफरेंट मशीनरी होगी, किसी और पावर प्लांट की बात करेंगे तो उसमें डिफरेंट मशीनरी होगी। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट मशीनरीज आपकी इस्तेमाल होती हैं, वो मशीन्स भी हो सकती हैं, केबल्स भी हो सकती हैं और मैकेनिकल कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, कई तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। तो जनरेशन के अंडर में वो पड़ते हैं हम। ठीक है, इसी में हम टाइप्स ऑफ पावर प्लांट्स भी देखेंगे कि कहाँ पे कैसे जनरेशन होता है, कहाँ किस पावर प्लांट के बारे में है। अब ये ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन लाइन में बेसिकली दो चीज़ें ही मेन होती हैं और यही मेन भी है, एक ओवरहेड लाइंस होती है जिनको हम ट्रांसमिशन लाइंस कहते हैं। टावर वगैरह ऐसे देखे होंगे, यहाँ से वायर जा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये टावर्स देखे होंगे जनरली जब हम लोग ट्रेन से या ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हम फील्ड्स में देख रहे होते हैं, इस तरीके के टावर्स देखने को मिलते हैं। फिर शहरों में इस तरीके से पोल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे टावर्स जो होते हैं, तो ये वाले जो बड़े टावर्स होते हैं या कभी कभी छोटे टावर्स, बट बेसिकली बड़े टावर्स पे इसमें हमको क्या मिलती है, ट्रांसमिशन लाइन देखने को मिलती है। ठीक है, तो जो लाइंस जा रही होती हैं वो ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं। क्यों? क्योंकि बल्क अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसफ़र कर रही होती हैं, इसलिए इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में आपको बड़ा मिलेगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ हम क्या पढ़ते हैं, SG लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने, इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। इसको कहते हैं स्विच गियर्स, और इसी में आता है आपका प्रोटेक्शन भी। ठीक है, स्विच गियर्स में स्विचेस नॉर्मली स्विच है आपका, पंखा आपको ऑपरेट करना है, आपको लाइट जलानी है तो आपको स्विच का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऑन एंड ऑफ, तो स्विच गियर्स हो गए। उसी तरीके से MCBs होते हैं, आइसोलेटर्स होते हैं, तो ये स्विच गियर के अंडर आता है। फिर प्रोटेक्शन आ गया, प्रोटेक्शन में क्या, फ्यूज़ आपने पढ़ा होगा, फ्यूज़ सुना होगा कि जब भी कभी करंट ज़्यादा हो जाता है, एक्सेस में हो जाता है, तो फ्यूज़ ब्रेक हो जाता है, उसका तार I2RT हीट लॉस की वजह से गल जाता है और वो सर्किट को डिसकनेक्ट कर देता है, आइसोलेट हो जाता है सिस्टम। MCBs हो गए, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स हो गए, वो प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी चीज़ें और भी इसके अंडर हम पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ ओवरव्यू समझ रहे हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, अब ये ओवरहेड लाइन से हमारा पहुंच गया है शहर तक, यानी कि ये पावर प्लांट था, पावर प्लांट से हमारा शहर तक पहुंच गया है क्या, पावर हमारा। ठीक है, अब ये यहाँ पे सिटीज़ हैं और ये हमारे लोड सेंटर पे, यानी है ये हमारे होम्स हैं, ये कंज्यूमर्स हैं, कोई बिल्डिंग्स हैं डिफरेंट, या आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, घर हैं, हॉस्पिटल्स हैं। अब इन तक पहुंचना है, यानी कि अभी इतनी पावर तो लेंगे नहीं जितनी पावर प्लांट से जनरेट हुई है, ना कि इतनी जितनी कि वो ट्रांसफ़र किया है। तो यहाँ पर कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ पावर इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको चाहिए, वो अब हम कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, वो हम डायरेक्ट भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इस ट्रांसफ़र को ही हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया आपका, ये पॉइंट जो होगा ये होगा आपके सब स्टेशन हो गए, यानी कि ये मेन स्टेशन हो गया, पावर स्टेशन हो गया, पावर प्लांट हो गया, यहाँ से जब आया तो सब सेट जैसे हमने पढ़ा था मैथ्स में, तो सब सेट यानी सब पार्ट, यानी इसका पार्ट और छोटे लेवल का हो गया। अब ये पावर प्लांट से डिफरेंट डिफरेंट सब स्टेशन को हम पावर देंगे। ठीक है, तो एक ये सब स्टेशन हो गया, सपोज़ कोई भी एक पर्टिकुलर शहर हो गया, पर्टिकुलर सिटी हो गया, पर्टिकुलर एरिया हो गया, वहाँ का सब स्टेशन ये है। इसके अंडर में कई सारे लोड स्टेशन, कई सारे यूटिलाइजेशन पॉइंट्स जहाँ पे कि यूटिलाइज हो रही इलेक्ट्रिसिटी, वो यहाँ पर उनको उसके थ्रू जुड़े होंगे और ये पावर इनको प्रोवाइड करेगा, ना कि डायरेक्ट पावर प्लांट करेगा। ठीक है, इनडायरेक्टली पावर प्लांट से सब स्टेशन एंड सब स्टेशन से डायरेक्टली आपका उस पर आएगा, किस पे, लोड सेंटर्स पे या यूटिलाइजेशन पॉइंट पे। ठीक है, तो ये होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में ही एक पॉइंट और ये अपना जुड़ जाता है, जो हम यहाँ पे यूटिलाइज किया, हमने यूज़ किया इसको। ठीक है, तो हमारा यूज़ करने का वो उतना इम्पॉर्टेंट है नहीं, बाकी हमें पता होना चाहिए कि हाँ डिस्ट्रीब्यूशन एंड उसके बाद क्या आता है हमारा यूटिलाइजेशन। जब डिस्ट्रीब्यूट होकर पावर हम तक पहुँच गई तो अब हमें यूटिलाइज करना है, हमें यूज़ करना है उस पावर का, तो वो भी आता है। अब हम पढ़ते हैं, जैसा कि हमने जनरेटिंग स्टेशन की बात की, कितने तरीके के होते हैं। तो पहला तो होता है आपका कन्वेंशनल, जैसा कि नाम बता सकता, कन्वेंशन, कोई चीज़ पुरानी फॉलो करती चले आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, कोई चीज़ पुरानी जिसको कि हम फॉलो करते आ रहे हैं, कन्वेंशनल काफ़ी पुराना है। तो क्या पुराना है, जैसे हमने सुना होगा कोल, ठीक है, फिर हमने सुना होगा हाइड्रो, फिर हमने क्या सुना होगा, न्यूक्लियर। तो ये ऐसे लगभग तीन प्लांट्स या तीन ऐसे सोर्सेज होती हैं आपकी एनर्जी प्रोड्यूस करने की, जो कि कन्वेंशनली हम यूज़ कर रहे हैं, बहुत टाइम से हम यूज़ कर रहे हैं, बहुत
पहले से हम यूज़ कर रहे हैं उसको कन्वेंशनल कहते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आप इसमें कोल अगर किसी प्लांट में यूज़ हो रहा है, किसी पावर प्लांट में जिसके बारे में हम बात किए थे, उसमें एज अ फ्यूल ईंधन के रूप में अगर आपका कोल इस्तेमाल हो रहा है, आपका कोयला इस्तेमाल हो रहा है, तो ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं थर्मल पावर प्लांट। थर्मल, ठीक, हीट, थर्मल मीन्स हीट, ठीक है। तो थर्मल पावर प्लांट ऐसे प्लांट्स को कहते हैं जहाँ पर फ्यूल यूज़ होता है आपका कोल। ये फ्यूल्स हैं, ठीक है, फ्यूल्स, और ये पावर प्लांट्स हैं, ठीक है। तो फ्यूल्स जहाँ पर कोल यूज़ होता है एज अ फ्यूल, वो है थर्मल। फिर हाइड्रो, इनको कहते हैं आपको हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है, सिंपली हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक। हाइड्रो पावर प्लांट क्यों? क्योंकि ये सर्टेन अमाउंट ऑफ हाइट से या सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर से, किसके, पानी के, हाइड्रो मींस वाटर, वाटर के प्रेशर से, आगे हम पढ़ेंगे टर्बाइंस के बारे में, तो उसकी हेल्प से, वाटर के प्रेशर से, वाटर की पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के प्रेशर से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो फ्यूल वाटर हम कंसिडर कर सकते हैं। फिर न्यूक्लियर आ गया। न्यूक्लियर तो हमको पता ही है, न्यूक्लियर के बारे में हम जानते हैं कि हाँ, इसमें या तो यूरेनियम आपका इस्तेमाल होता है या प्लूटोनियम, तो ये न्यूक्लियर फ्यूल्स हैं, ठीक है। इसकी हेल्प से फिर हम टर्बाइन को रोटेट कराते हैं, देन वी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये हो गए आपके फ्यूल, डिफरेंट फ्यूल हैं, ये बेसिक ओवरव्यू है, इसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में आगे पढ़ने ही वाले हैं, ठीक है। दूसरे हो गए आपके नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, NCES, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, ठीक है। आजकल क्योंकि हमको पता है कि हाँ, हमारा कोल ख़त्म हो रहा है, कैसे, कोल बेड्स हमारी ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि हम इतना यूटिलाइज़ कर रहे हैं, डिमांड हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से कोल कम पड़ रहा है अब हमें, ठीक है। पानी, हाइड्रो तो हमारा इस्तेमाल हो ही रहा है, न्यूक्लियर फ्यूल भी कम हो रहा है, तो ये जो सोर्सेज थे हमारे एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, मान के ये चला जाता है, ठीक है। और है भी ऐसा, क्योंकि डिमांड हमारी बढ़ रही है और ये चीज़ें बहुत कम प्रोड्यूस हो रही हैं, क्योंकि अगर कोल की बात करें तो आप अर्थ बेड में प्रोड्यूस हो रहा है ये किससे, हीट से, एक्सेसिव हीट जो होती है उससे, अंदर की लेयर जो है उससे कोल प्रोड्यूस हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एक ना एक दिन ये ख़त्म हो जाएंगे, तो इसलिए हम स्विच कर दिए हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। कन्वेंशनल नहीं, अभी नए हैं, या नए नहीं हैं, बहुत पुराने हैं, बट कन्वेंशनल नहीं है, बहुत जो हम पहले से यूज़ करते आ रहे हैं वो नहीं है ये। तो इसमें क्या आता है आपका, आजकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चल रहा है, बहुत हम सुनते हैं, सोलर, ठीक है। दूसरा आपका हो गया विंड एनर्जी, और भी बहुत सारे हैं, बट ये मेन जो कि हम इनके बारे में पढ़ेंगे। पवन चक्की सुना होगा आपने, विंड मिल, ठीक है। विंड मिल कैसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे ब्लेड्स लगे होते हैं, तो जब एयर ब्लो कर रही होती तो ये रोटेट कर रहे होते हैं, और रोटेट कर रहे होते तो इसके साथ जुड़ा होता है अल्टरनेटर, अल्टरनेटर से हमारे बिजली प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ये विंड एनर्जी हो गई। सोलर में हम देखते हैं ये प्लेट्स होती हैं जिसपे कि सनलाइट पड़ रही होती है, सनलाइट पड़ रही होती है, जिसकी वजह से हमने आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था, E=h𝛎, ठीक है। तो बस अभी इतना समझ लीजिए कि कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन के एमिशन की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स जब निकलते हैं सरफेस से तो कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था द डेफिनेशन ऑफ करंट इज, इट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या बहता है, करंट फ्लो होती है, ठीक है। तो वो एक करंट फ्लो होती है जिसकी वजह से हमें कुछ वोल्टेज मिलता है, और हम उससे या तो हम अपनी बैटरीज़ को चार्ज कर लेते हैं, या तो हम डायरेक्टली इसको यूज़ कर लेते हैं। सोलर लाइट्स हमने देखे होंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ सोलर इक्विपमेंट्स हमने देखे होंगे, तो वो सारे इसी प्रिंसिपल पे काम कर रहे होते हैं। तो सोलर बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है हमें, बहुत सारी प्लेट्स हमें बिछानी पड़ती हैं, और फिर जब उस पर सनलाइट पड़ती हैं, या तो हम उससे बैटरीज चार्ज कर रहे होते हैं, या तो हम उसका डायरेक्टली यूज़ कर रहे होते हैं, स्टोर कर लेते हैं, सुपर कैपेसिटर्स और डिफरेंट काइंड ऑफ डिवाइसेस हैं जो कि स्टोर करने का काम करेंगे और यूटिलाइज भी एट द सेम टाइम वी कैन डू, राइट। तो ये हो गया हमारा ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दो सोर्सेज एक्चुअली आर, ठीक है। तो वो फ्यूल्स कैसे हैं, कन्वेंशनल हैं या नॉन कन्वेंशनल हैं, ठीक है। इसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी पावर सिस्टम्स का ये बेसिक पहला लेक्चर होगा, जिसमें कि हमने एक बार फिर से ओवर हम देख लेते हैं, समराइज़ कर देते हैं पावर सिस्टम्स के बारे में, क्या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का नेटवर्क होता है, जिनसे कि हम तीन तरीके की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, एक जनरेशन है, दूसरा ट्रांसमिशन है, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तीन एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं पावर सिस्टम्स का, क्या यूज़ है,
तो वो सिंपल सा वैसा यूज़ है कि हमारे लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी का क्या यूज़ है, इसलिए हमको पावर सिस्टम पढ़ना पड़ेगा या पावर सिस्टम के बारे में हमको जानना चाहिए कि हाँ कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। हम तो बैठ करके यूज़ कर रहे हैं, हमें तो पता नहीं इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस हो रही है। तो प्रोडक्शन यानी कि जनरेशन, सेकंड पॉइंट ट्रांसमिशन, कैसे हम तक पहुंच पा रही है क्योंकि पता नहीं कहां बन रही है, हमें तो कोई आइडिया नहीं है, तो वहां से हमारे घर तक आ रही है या हमारे घर नहीं हमारे शहर तक आ रही है, उसमें ट्रांसमिशन हमारे शहर से हमारे घर तक पहुँच रही है वो डिस्ट्रीब्यूशन, और हम कैसे यूज़ कर रहे हैं उसका, तो वो हमारा यूटिलाइजेशन, वो हम यहाँ पे कैटेगरी में लिखे नहीं है, बट तीन पॉइंट्स बेसिकली मेजर होते हैं, ये हो गया। फिर जनरेशन में आते हैं, जनरेशन में हम बेसिकली क्या देखते हैं, फ्यूल, किस तरीके के फ्यूल हैं, कोल, हाइड्रो, न्यूक्लियर या सनलाइट है, फ्यूल तो नहीं बोलेंगे बट हाँ सनलाइट एज अ फ्यूल हमारा यूज़ हो रही है या विंड है, ठीक है। तो फ्यूल, देन मशीनरीज, मशीनरीज कैसी कैसी यूज़ होंगी वो आगे देखेंगे, टर्बाइंस, अल्टरनेटर्स और इकोनोमाइजर, बहुत डिफरेंट डिफरेंट रिएक्टर्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स वी हैव टू स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर। फिर हम बात करते हैं ट्रांसमिशन की, ट्रांसमिशन में क्या हो गया, ओवरहेड लाइंस हो गई आपकी। ओवरहेड लाइंस का काम क्या होता है, टू ट्रांसफर बल्क अमाउंट ऑफ पावर फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन टू द लोड सेंटर्स या टू द सब स्टेशन, ठीक है, वो ट्रांसमिशन लाइंस हो गई। फिर SG, स्विच गियर्स एंड प्रोटेक्शन, नाम बहुत अजीब सा लग रहा होगा बट स्विच गियर ठीक है, स्विचेस एंड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन देने के लिए ताकि ओवर करंट, ओवर वोल्टेज, इस तरीके के प्रोटेक्शन हमको मिल पाए, उसके लिए हम ट्रांसमिशन लाइन में, ये भी होता है डिस्ट्रीब्यूशन में भी होता है, इनफैक्ट जनरेशन में भी होता है, बट ट्रांसमिशन में हम देख लेंगे क्योंकि यहाँ पर बल्क अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसफर हो रही होती है, तो यहाँ पे बड़ी डिवाइसेस के लिए पढ़ लेंगे तो छोटी डिवाइसेस के लिए ऑब्वियसली इजी हो जाएगा, ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं है, बस हमारा सब स्टेशन से हमारे घर तक बिजली को पहुंचाना, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हम देखते हैं कि यहाँ दो तरीके के हमारे सोर्सेज होते हैं, कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं। कन्वेंशनल वो जो कि हम बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं, जो कि एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं, उनको हम कन्वेंशनल सोर्सेज कहते हैं। उसमें दो तीन तरीके के पड़ते हैं, होते हैं काफ़ी, नेचुरल गैसेस भी होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स होंगे उसमें, बट हम बेसिकली तीन के बारे में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि यही तीन हमारे मेजरली यूज़ होते हैं। फिर आते हैं NCES, जो कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, में सोलर आ गया, विंड आ गया आपका, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसमें और भी आते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया हो गया पावर सिस्टम के पहले लेक्चर का, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।